वेलकम अचीवर्स। डियर अचीवर्स, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको करवाने जा रही हूँ जावा आईडीई, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। डियर लर्नर्स, कई बार एग्जाम में शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट इज जावा आईडीई, या कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। समटाइम्स क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स वाइवा के लिए जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है दैट व्हाट इज जावा आईडीई। लेट्स डिस्कस जावा प्रोग्राम्स। जावा की जो प्रोग्राम्स हैं, दे कैन बी रिटन एंड एग्जीक्यूटेड इजली using an IDE environment, integrated development environment के through आप जावा के प्रोग्राम को easily execute कर सकते हो, easily write कर सकते हो। Now what is IDE? IDE की full form तो मैंने आपको बता दी है, that it is integrated development environment. It provides you with a text editor. जो IDE एनवायरनमेंट है वो आपको एक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करेगा, जिसमें मेन्यू होगा, मेन्यू में कमांड्स होंगी फॉर कंपाइलिंग एंड रनिंग जावा प्रोग्राम्स। जावा प्रोग्राम्स को कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए ये टेक्स्ट एडिटर यूज होता है। एंड IDE प्रोवाइड्स मेनी यूजफुल GUI टूल। इसमें बहुत सारे GUI टूल्स हैं, आई होप कि आपको GUI के बारे में पता होगा, विच आर यूजफुल फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन। तो मैंने आपको क्या बताया, IDE की फुल फॉर्म बताई दैट इट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और जो IDE है वो आपको एक टेक्स्ट एडिटर प्रोवाइड करेगा थ्रू विच यू कैन कंपाइल एंड रन योर जावा प्रोग्राम्स इजिली। Some of the common features of IDE are, IDE के common features हैं कौन कौन से हैं। First is code editor. Now what is code editor? Code editor is a space for writing and editing source code. Source code को write करने के लिए, edit करने के लिए इस editor को use किया जाता है। Next is compiler. It is used to transform the source code. Naturally, जो program है वो आपका source code है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, execute करने से पहले compile करना पड़ेगा। So IDE provide you compiler which is used to transform the source code of the program written by you into a form that is executable by a computer. Next is debugger. Now what is debugger? It helps you to debug your application program during development. Means कहाँ पे आपकी errors हैं, bugs कहाँ पर हैं, ठीक है, उसके लिए आपको debugger चाहिए। So it is used during the testing of application program. जब आप program को test करोगे तो जो IDE है वो debugger के through help करेगा आपको program को test करने के लिए। बिल्डर, दिस ऑटोमेट्स कॉमन टास्क ऑफ प्रोग्रामर। कॉमन टास्क कौन सी हैं, एप्लीकेशन को रन करना, कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना, ये किसका काम है, बिल्डर का। तो ये फीचर्स हैं किसके, जावा आईडीई के। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ब्राउजर। नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ ब्राउजर्स। कौन कौन से ब्राउजर्स हैं, फर्स्ट इज क्लास ब्राउजर, अनदर वन इज ऑब्जेक्ट ब्राउजर। Now what is class browser? Class browser is used to examine and reference the properties of object-oriented class hierarchy. Class hierarchy के लिए class browser को use किया जाता है, और object browser को use किया जाता है to examine the objects instantiated in an running application program. Next is class hierarchy diagram. It allows a program to see the project structure, program का जो structure है वो क्या है,
including different classes in the project. So these are some features of Java Integrated Development, that is Java IDE. Kon kon se? Code editor, compiler, debugger, builder, then browser, then class hierarchy diagram. I hope ki aapko समझ आ गई होगी. अगर आपको आता है जावा आईडीई के ऊपर क्वेश्चन तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे. थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, शेयरिंग माई चैनल. थैंक्स अ लॉट.